टाइम उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। हेलो डियर चिल्ड्रेन, यू ऑल मस्ट हैव मेनी फ्रेंड्स with whom you play, you eat, and sometimes you quarrel with them too. But one thing is for sure, कि जब आपको एक दूसरे की जरूरत होती है तो सारे झगड़े छोड़कर एक दूसरे की हेल्प करते हैं. Let's listen to a story of two such friends, Kaushal and Nakul. The name of the story is The Real Winner. Once there lived two boys in a village. One was Nakul and the other was Kaushal. Nakul was very simple and innocent, while Kaushal was very arrogant. दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते ही रहते थे और ज्यादातर झगड़ों में नकुल को ही झुकना पड़ता और कौशल अपनी बात मनवाकर बहुत खुश हो जाता. One day, Nakul and Kaushal were flying kites. They both saw a red kite falling down. और जैसे ही दोनों ने काइट को गिरते देखा, दोनों उसे पाने के लिए दौड़ पड़े. Kaushal said, "Give me the kite. I caught it first." Nakul said, "No, no, I caught it first. Now it's mine." और इस बात पर अब दोनों का झगड़ा होने लगा. Hearing the noise, people gathered there. In the meanwhile, the Gram Pradhan was passing by. और वो उन दोनों के पास गए और बोले, "Why are you both quarreling?" नकुल बोल रहे, "प्रधान जी, I ran fast and I got the kite first." Kaushal said, "No, प्रधान जी, I ran faster to get it first." प्रधान जी बोले, "अच्छा बताओ, तुम में से तेज कौन दौड़ता है?" Nakul replied, "I ran fast." Kaushal said, "I can run faster than Nakul." और फिर इस बात पे दोनों का झगड़ा होने लग गया. प्रधान जी said, "Why do you both quarrel? Next Monday it is 15th August and on this day our running race will be held in the village. Take part in the race and prove who runs faster than whom." और ये बात सुनकर तो दोनों की आंखें चमक उठी और फिर इस बात पर भी वो झगड़ने लग गए. Kaushal said, "I will win the race." Nakul said, "No, I will be the winner." ये बात सुनकर प्रधान जी को तो हंसी आ गई. उन्होंने कहा, "अरे भाई, दौड़ लगा के देख लो, जो भी जीतेगा वो सबको पता चल जाएगा." Both got registered for the race. अब दोनों जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे. कौशल स्कूल में प्रैक्टिस करता तो नकुल खेतों में दौड़ लगाता. ऐसा कई दिनों तक चलता रहा. एंड द डे केम व्हेन दे हैड टू शो देयर परफॉर्मेंस. बोथ नकुल एंड कौशल वर प्रिपेयर्ड. दे हैड टू प्रूव देमसेल्व्स. अब रेस स्टार्ट होती है. ऑन योर मार्क, गेट सेट गो. ये सुनते ही सभी रनर्स एक साथ दौड़ पड़ते हैं. ऑल द रनर्स वॉन्टेड टू लीव द अदर्स बिहाइंड. सभी रनर्स के बीच डिस्टेंस बहुत क्लोज था. और ये क्या, ये तो कौशल था. हु वॉज रनिंग लाइक अ चीता. अब तो उसको देख के नकुल ने भी अपनी स्पीड बहुत बढ़ा दी और रनर्स भी उनको देख के और तेज दौड़ने लग गए. बट कौशल, नो वन वॉज एबल टू क्रॉस कौशल. सभी की निगाहें कौशल पर ही टिकी थी. चारों तरफ उसके लिए तालियां गूंज रही थी. वो अभी भी सभी से आगे था. नकुल सेकेंड नंबर पे था और बाकी रनर्स पीछे थे. द रेस वॉज अबाउट टू फिनिश, बट वॉट इज दिस. कौशल फिनिशिंग लाइन से कुछ पहले ही रुक गया. ही गॉट कंफ्यूज्ड. ही थॉट कि वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया है. एंड सो ही स्टॉप्ड देयर. नकुल वॉज ऑल्सो वॉचिंग दिस.
तब नकुल कौशल के पास पहुंचा और उसे पुश करके आगे दौड़ने को कहा। कौशल एट वंस रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। वो दौड़कर फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया एंड ही वन द रेस। ऑल वर वॉचिंग दिस एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड नकुल। कौशल केम फर्स्ट इन द रेस एंड नकुल सेकेंड। नकुल चाहता तो रेस आसानी से जीत सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये बात कौशल के समझ में आ गई थी। नाउ इट वॉज टाइम फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कौशल्स नेम वॉज अनाउंस्ड। व्हेन ही वॉज गिवन द ट्रॉफी ही गेव द क्रेडिट टू नकुल फॉर विनिंग द रेस। बट नकुल सेड, कौशल यू डिजर्व दिस ट्रॉफी बिकॉज यू रैन फास्टर देन द अदर रनर्स। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दे प्रॉमिस्ड दे वुड नेवर फाइट अगेन। बच्चों आपने देखा हाउ नकुल हेल्प्ड कौशल टू विन द रेस। चिल्ड्रेन दिस इज द रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। खेल में तो हार जीत होती ही है। दो नकुल लॉस्ट द रेस येट ही वन एवरीवन्स हार्ट।